नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। और आप देख रहे हैं पांच का पंच और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। इतिहास और सियासत में अगर और मगर का कोई स्थान नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का अब नया और बड़ा बयान सामने आया है। बीते दिन अपने बीकानेर के दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से बोलते हुए कहा कि हमने और पीसीसी सचिव डोटासरा जी ने जो डिसाइड किया था, अगर उस पर हम कायम रहते तो प्रदेश की आज दूसरी तस्वीर होती। प्रसिद्ध प्रशासनिक विद्वान हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन का सिद्धांत दिया था और कहा था कि निर्णय लेना एक कला है और जो भी व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही सफल होता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निर्णय लेने की कला रंधावा जी में नहीं थी या फिर कोई दबाव था जो कि वो समय पर जो निर्णय है सही नहीं ले पाए। सवाल यह भी है कि क्या इस पश्चाताप का आगे कोई सबक लिया जाएगा। तो आज पांच का पंच में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट। बीते दिन बीकानेर में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान सामने आया। मंच पर भाषण के दौरान रंधावा ने कहा कि लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। चुनाव के दौरान मैं नया नया था, सब देखता रहा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर जाऊं। मैं मानता हूं कि गलती मेरे से और गोविंद सिंह डोटासरा जी से जरूर हुई है। हम विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते समय ही सही स्टैंड नहीं ले पाए कि ये गलत है, इसको टिकट नहीं देनी है। हमने और डोटासरा जी ने जो निर्णय लिया था, अगर उस पर कायम रहता तो आज बात अलग होती। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा का ये दर्द बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त छलका जब डोटासरा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि मैं मानता हूं कि गलती मेरे से और गोविंद सिंह डोटासरा जी से जरूर हुई है। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब मौका था तो सही निर्णय नहीं लिया। और अब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस प्रभारी रंधावा ये कह रहे हैं कि अगर समय पर स्टैंड लिया होता तो प्रदेश की तस्वीर आज दूसरी होती। सवाल ये है कि रंधावा सही समय पर निर्णय नहीं ले पाए, या फिर उन पर सही निर्णय ना लेने का दबाव था, या फिर इस पश्चाताप का आगे कोई सबक लेंगे। रौनक व्यास, जी मीडिया बीकानेर। तो देखिए, पश्चाताप हुआ है, लेकिन इस पश्चाताप से अब आगे सबक लेंगे नहीं लेंगे और उसको लेकर, उस बयान को लेकर क्या कुछ राजनीति अब हो रही है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपको तारुफ करवा देती हूं। हमारे सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और इसके साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता विकास बारहट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजकुमार शर्मा जी, पीसीसी प्रवक्ता है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही का रुख करती हूं। देखिए, पछतावा होना अपने आप में एक बड़ा जेस्चर होता है और यह अच्छी बात है कि रंधावा जी ने और डोटासरा जी ने जो है यहां पर स्वीकार कर लिया है कि उनसे गलती हुई, समय पर वो सही निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन सवाल यह है कि सही निर्णय वो नहीं ले पाए या फिर किसी तरीके का ऐसा दबाव था कि सही निर्णय चाहकर भी नहीं ले पाए। देखिए गौतम जी, मैं इतना कह सकता हूं कि रंधावा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं हिंदुस्तान के, और गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोनों ने सामूहिक बयान देकर कहा कि कुछ गलतियां रह गई जिस कारण से हम विधानसभा में सप्ताह पे आते आते बिल्कुल नजदीक आते आते रह गए। ये उन दोनों नेताओं का बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी हार को अपनी कुछ कमियों के कारण स्वीकार किया है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में
एकजुट होकर के लड़ी थी, उससे भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में हम लोग कामयाब होंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, छोटे बड़े नेता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पिछली जो 1.5 महीने की जो सरकार है, निश्चित तौर पर अभी 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो 3-4 महीने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 3-4 महीने के कार्यकाल में जो इनकी जो गारंटियां थी, जो मोदी जी की गारंटियां थी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की शानदार योजनाएं थी, उन तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हम विधानसभा में घुटने टिकवाने का काम हमारे विधायक कर रहे हैं आदरणीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, और रंधावा जी और डोटरासा जी के नेतृत्व में हम सड़कों पे उनके घुटने टिकवाएंगे। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। निश्चित रहे, राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहेगा। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान की जनता को भरोसा है। जी विकास जी, कल पछतावा हुआ और अभी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से तैयार है आप लोगों को शिकस्त देने के लिए और घुटने टिकवाने के लिए, क्या कहेंगे आप मजबूती के साथ तैयार हैं? देखिए अंकुर जी, सदन के अंदर कुछ और, चुनावी भाषणों में कुछ और यथार्थ में कुछ और, ये इनकी पुरानी परंपरा है। उसी पुरानी परंपरा को चरितार्थ आज के इस बयान से किया जा रहा है। डोटासरा जी कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी के अंदर फुटबॉल की बात कर रहे थे और आज देखिए किस प्रकार राजस्थान की जनता के सामने खुल के उनका ये रूप उभर के आया है। आप देखिए कि डोटासरा जी कह रहे हैं और इनके प्रभारी कह रहे हैं कि हम उनको टिकट नहीं दे पाए जिनको टिकट दी। अरे प्रभारी जी को तो शहजादे ने ही बना के भेजा था ना, सॉरी राहुल गांधी जी ने ही बना के भेजा था ना, किसके दबाव में टिकट नहीं दे पाए? बहन भाई की लड़ाई, पायलट जी गहलोत की लड़ाई। और दूसरी बात, ये आवाज आज क्यों उठाई जा रही है जब सरकार नहीं है? कहीं पॉकेट मनी बंद हो गई, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ रही प्रभारी जी के मुंह से? दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर ये आज पहली बार थोड़ी हो पा रहा है। और मैं कहता हूं कि ये जब मान रहे हैं कि ये टिकट नहीं दे पाए और हार हुई है तो प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रभारी जी को इस्तीफा देने से कौन रोक रहा है? अगर इनमें 1% भी नैतिकता बाकी बची है तो इनके इनके पदों से इस्तीफा देना चाहिए। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने ये स्वीकार कर रहे हैं और ये कोई छोटी गलती नहीं है अंकुर। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों को टिकट नहीं दे पाए तो इनको किसने रोका था, ये उसका नाम भी स्पष्ट करें। और अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से 3 नाम इन्होंने लिए, आदरणीय जूली जी, आदरणीय रंधावा जी, आदरणीय डोटासरा जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारा ठीकरा गहलोत साहब के नाम के ऊपर फोड़ा जा रहा है। रंधावा जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो परंपरा है, उसका निर्वहन करें। और वो ये है कि खुले शब्दों में कहें कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, गलती हमारी है, और फिर से राहुल गांधी जी को जिस प्रकार ये सैकड़ों बार लॉन्च कर चुके हैं, दोबारा राहुल गांधी जी जिंदाबाद बोलकर आगे का काम शुरुआत करें। ये जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें तो ये खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं और इस जाल में खुद को फंसा लिया, डोटासरा जी को फंसा लिया। और अगर दबाव था तो ये बताएं कि गहलोत साहब का था, कि पायलट का था, शहजादे का था, कि शहजादी का था? राजस्थान की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम पूरी बात से अवगत करवाइए। हमारे घुटने टिकवाने की बात करते हैं, घुटने खुद के टिके पड़े इनके। ठीक है विकास जी, इसका मैं जवाब लूंगी राजकुमार जी से। एक बार मैं श्याम सुंदर जी के पास जाती हूँ। श्याम सुंदर जी, आपने वो बयान सुना, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पछतावा उन्हें है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आगे मजबूती के साथ वो तैयार रहेंगे। वो पहली बारी था उनका, वो समझ रहे थे, चीजों को देख रहे थे और इसलिए शायद निर्णय नहीं ले पाए कहना है, लेकिन आगे तैयार और होने जा रहे हैं अभी। श्याम सुंदर जी, ठीक है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप इसी आर देखिएगा, टेक्निकल कुछ इशू है। मैं आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी, आप जरा जवाब दे दीजिएगा, आखिर किन लोगों की बात हो रही है, कौन से ऐसे टिकट थे, कौन से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि जिनको लेकर सही निर्णय नहीं हो पाया? अंकुर जी, हमारा टारगेट था 110 सीटों से ऊपर, हम राजस्थान की जनता के लिए सीटें लाकर सेवा करते और हमारी 70+1 और 71+1 यानी 72 सीटों पे हमारा और हमारा गठबंधन आके टिक गया। मामूली सी 25 सीटों के आसपास का हमारा अगर और मार्जिन कवर हो जाता तो निश्चित तौर पे हम इस बार वापस पुनः सत्ता में काबिज होते। और भारतीय जनता पार्टी खुद घमंड की पार्टी, संस्कार विहीन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को क्या सिखाएंगे?
कांग्रेस पार्टी तो सीखी सिखाई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो महज कुछ सालों से हिंदुस्तान में सत्ता कर रही है, हम तो वर्षों से सत्ता कर रहे हैं, हम तो वर्षों से हिंदुस्तान की और राजस्थान लेकिन की राजकुमार सेवा जी, कर रहे हैं। खुद रंधावा जी ने कहा है कि लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए और लीडरशिप स्ट्रांग होती तो जीत जरूर मिलती। अब लीडरशिप किन की कमजोर रह गई यहाँ पर, प्रदेश की बात हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व की बात हो रही है, या फिर वो खुद की बात कर रहे थे, कौन सी लीडरशिप कमजोर रह गई? अंकुर जी, मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि रंधावा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, डोटासरा जी बड़े प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कार्यकर्ताओं के बीच में, और कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, तो कमी रहती तभी तो कोई नुकसान होता है, और कमी रह गई इसीलिए हमको 30-35 सीटों का नुकसान हुआ और सत्ता से हम बाहर हो गए, और हमने स्वीकार इसलिए किया है कि आगामी 2-3 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव है तो कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी ना रहे, भारतीय जनता पार्टी घमंड सरकार को हम 30-35 सीटें और प्राप्त करके हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से यहां से शिकस्त देके भेजेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। हमारे सारे कार्यकर्ता इस बार उत्साह से भरपूर हैं, और जब रंधावा जी ने और डोटासा जी ने और गहलोत साहब, पायलट साहब, तमाम छोटे बड़े नेता सब मिलकर के इस बार का आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और हमारी जो 25 सीटें हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 24+1 सीटें मिली थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हम 25 सीटें पुनः इस बार नहीं लेने देंगे, इस बात का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस बार अपने आप से वादा कर रखा है, और आप देखिएगा कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा सीटें भी टिकट भी घोषित होने चालू हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के तो आपने देखा था अभी विधानसभा चुनाव के दिन के 7 सांसदों को इन्होंने उतारा था, तो इनके से 2-3 सांसद उनके चुनाव में हार गए थे, और एक सांसद को इन्होंने कुछ दिन बाद ही ट्रेन से उतार दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी के घर को संभालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शांति धारीवाल जी ने बिल्कुल सही कहा, ऑटो रिक्शों की सरकार है, आगे वाला टायर तो इनके मुख्यमंत्री बने हुए, पीछे वाला टायर दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, और पर्ची वाली सरकार ले रहे हैं, उनके टिकट पर तो सबसे ज्यादा एंड वक्त तक असमंजस की स्थिति थी, जिनका नाम ले रहे हैं सबसे ज्यादा तो उनके टिकट पर लास्ट लिस्ट में उनका जाकर नाम आया था सामने, तो उनके बयानों को आप यहाँ पर कहाँ ले रहे हैं विकास जी? देखिए अंकुर, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी बात करी, संस्कार वाली पार्टी, ये शब्द इनके मुंह से सुन के मुझे बड़ा आनंद आया। इनके संस्कार मैं आपको थोड़ा और याद दिला देता हूं, आपको सितंबर याद है अंकुर जी? इनके प्रभारी जी आज ही बेआबरू नहीं हुए हैं, उस वक्त भी इनके प्रभारी जी आए थे, आपको पता है दिल्ली से, जब इनके सीएम तो तनोट चले गए थे और विधायक जो है वो इनके शांति धारीवाल जी जिनका ये अभी नाम ले रहे हैं उनके घर पे इकट्ठा हो गए थे और सबने इस्तीफे दे दिए थे, तब भी इनके प्रभारी बेआबरू होके इस जयपुर से गए थे, और आज ये संस्कारों की बात करते हैं, इनके मुंह से बड़ी बेमानी सी लगती है। और संस्कारों की बात करें, इनके प्रदेशाध्यक्ष विधायकों को लेकर दिल्ली बैठ गए थे अपनी सरकार गिराने के लिए, और यहां इनकी सरकार ने अपने विधायकों के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, नाकारा, निकम्मा, गद्दार ये। फिर दूसरी बात, फिर उन्हीं सचिन पायलट जी ने जब वापस आ गए, सरकार में आ गए, फिर उन्होंने आरपीएससी के लिए मार्च निकाला, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपके मुंह से संस्कार शब्द सुन के बड़ा आनंद आया है राजकुमार जी, चुनाव को गए कुछ महीने हो गए लेकिन जनता को वापस से आप यादें ताजा करवा रहे हैं, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद राजकुमार जी। बाकी आपके संस्कार इस पूरे भारत की जनता ने, राजस्थान की जनता ने देखे भी हैं और भुगते भी हैं। ठीक है विकास जी, आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये एक बार दर्शकों को बता देते हैं, जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने आखिरकार महाधिवक्ता की नियुक्ति की है और राजेंद्र प्रसाद जो है वो राजस्थान के नए अधिवक्ता होंगे, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति का अनुमोदन किया है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और अब जल्द ही हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति भी होगी। सरकार बनने के 49 दिन बाद नए महाधिवक्ता जो है वो मिले हैं, राजेंद्र प्रसाद राजस्थान के नए महाधिवक्ता होंगे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बधाई देने वालों का तांता अभी से ही लग चुका है, नाम की नियुक्ति होने के बाद से ही लगातार उन्हें बधाई मिल रही है, कोई माला पहना रहा है, कोई बुके उन्हें भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 49 दिन के बाद, नई सरकार बनने के 49 दिन के बाद राजस्थान को नए महाधिवक्ता मिले हैं और राजेंद्र प्रसाद प्रदेश के नए अधिवक्ता, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान के टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आखिरकार राज्य सरकार ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी है और राजेंद्र प्रसाद ये नाम है जिनकी ये नियुक्ति अभी अभी हुई है।
लगातार देखिए शुभकामनाएं और बधाई देने का तांता लग गया है, मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। महाधिवक्ता कार्यालय का जो काम है वो ये है कि जनहित में जनता के साथ न्याय हो, उसके लिए सरकार को प्रॉपर राय देना और न्यायालय में लंबित मुकदमों में या आने वाले मुकदमों में पैरवी करना। हमारी टीम आपस में मिलजुल के पूरी शिद्दत से और अपनी क्षमताओं के अनुरूप जनता को जल्दी से जल्दी और सही न्याय मिले, इसके लिए प्रयास करें। देखिए आपने सुना राजेंद्र प्रसाद को, उन्होंने अभी अभी अपना पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है और साफ तौर पर उनका कहना है, उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि राजस्थान की जनता के हित में सही सलाह वो दे पाए और साथ ही जो भी मामले पेंडिंग यहां पर चल रहे हैं उन मामलों में न्याय मिल पाए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पदभार ग्रहण किया है अभी राजस्थान के नए महाधिवक्ता ने राजेंद्र प्रसाद ने और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ सेल्फी लेने का जो सिलसिला है वो भी लगातार यहां पर चल रहा है। और चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। करते हमें कई बातों का आभास भी होता है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पार्टी में जब काम करते हैं तो कई कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमको कौन देख रहा है। मैं ये कहता हूं चाहे वो कार्यकर्ता बूथ स्तर का हो या मंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, प्रदेश का हो या केंद्र में काम करता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता हो, जैसे कहते हैं कि ना आप कैमरे की नजर में हो, ऐसे एक एक कार्यकर्ता कैमरे की नजर में होता है। आपने देख लिया होगा, महसूस भी कर लिया होगा। मैं अधिकतर कहता हूं कि सामने वाले जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनको एक दिन सामने आना है, तो मेरे से सामने कार्यकर्ता बैठे हैं, आगे आने वाले समय में उन्हीं में से जनप्रतिनिधि बनना है, उन्हीं में प्रदेश के जिले के पदाधिकारी बनना है, उन्हें ही राष्ट्र के पदाधिकारी बनना है। मैं सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं। और चलिए एक बार फिर से हम अपनी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और मैं श्याम सुंदर जी का सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ। श्याम सुंदर जी, ये जिस तरीके से रंधावा जी ने कल बयान दिया और डोटासरा जी ने बयान दिया, अपनी गलती उन्होंने स्वीकार की है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मजबूती के साथ अब वो फिर से लौटेंगे लोकसभा चुनाव में और इसका जो सबक है अब वो लिया जाएगा, लेकिन ये सबक लेने से पहले इन्हें जो एक तरीके से कहा जाए तो हार के बाद ही क्यों ये सोचता है, पहले से प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं होती, मैनेजमेंट जो है वो उनका हर बार इतना कमजोर क्यों नजर आता है? इस प्रकार के प्रभारी हैं वो तो कर पाने की, पहले भी आपने कहा, उन्होंने कहा कि 40% टिकट काटेंगे और सब कुछ करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया राजकुमार जी को पता है वो कुछ नहीं कर पाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने जो कुछ कहा वो हुआ, आपने देखा उसका परिणाम भी कहा। देखिए कल वो बीकानेर में बोल ही रहे थे कि हमारे कारण अगर हम टिकट बांटते तो सत्ता में आ जाते, सत्ता में नहीं। लेकिन आज अमीन खान है जो बाड़मेर से हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रंधावा जी मैंने समय रहते हुए आपको शिकायत की थी, गोविंद सिंह डोटासरा जी आपको मैंने शिकायत की थी लेकिन मेरी सुनी नहीं गई और मैं यहाँ से चुनाव हार गया जी। और उन्होंने देखिए फिर कहा दोबारा से डोटासरा जी और आप रंधावा जी जो आप आए हो आप ताकतवर नहीं हो, आपकी सुनवाई नहीं होती है। तो संगठन में अगर सुनवाई नहीं होगी और जिस प्रकार से देखिएगा पहले भी देखिए मधुसूदन मिस्त्री जैसे
व्यक्ति को अगर ऑब्जर्वर के रूप में लगाया था, सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में गोगोई को लगाया था, लेकिन लास्ट में जब देखा आपने क्या रहा क्या नहीं हुआ, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, जो कुछ हुआ, कांग्रेस अपने आपस में लड़ लड़ के हार गई। वो ये कह रहे थे कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। अभी देखिएगा रंजीना पाटिल आई है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कांग्रेस को हराने का काम करती है। अब आज की स्थिति में देखिए प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, रंधावा जी और संभाग स्तर पर देखिए, पहले गंगानगर से, गंगानगर के बाद बीकानेर गए, बीकानेर के बाद बाड़मेर आए और जिस तरह से घूम रहे हैं, लेकिन क्या विश्वास के साथ वो कह सकते हैं कि 25 सीटों का जो निर्धारण किया जाएगा, जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, रायशुमारी हो रही है, उसके अनुसार उनके अनुरूप टिकट बांटा जाएगा, ये संभव है क्या? ये राजकुमार जी को पता है, राजकुमार जी को पता है कि राजकुमार जी ये जो उत्साह अभी कार्यकर्ताओं में है क्या ये उस वक्त नहीं था? और साथ ही क्या सचिन पायलट को हाशिए पर रखने का भी एक तरीके से कहा जाए, इस गलती का भी एहसास होगा क्या कांग्रेस को? श्याम सुंदर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया, अब आगे किस तरीके से आप लोग फैसला लेंगे इस बार के टिकट बंटवारे को लेकर? अंकुर जी, पहले भी सचिन पायलट जी राजस्थान कांग्रेस की प्रमुख कड़ी के हिस्सा थे, आज भी हिस्सा है और भविष्य में भी हिस्सा रहेंगे। सचिन पायलट जी हमारे इस वक्त जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है एक स्टेट के, और उस वक्त हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे। तो सचिन पायलट साहब की भूमिका तो पहले भी बहुत बेहतर थी, आज भी उससे भी ज्यादा बेहतर है। सचिन पायलट साहब मिलकर के, अशोक गहलोत साहब मिलके, टीकाराम जूली जी, डोटासरा जी, रंधावा जी, खड़गे साहब और जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के 25 के 25 लोकसभा उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। अच्छे उम्मीदवार कह रहे हैं राजकुमार जी, वो पूरा प्रदेश जानता है। विकास जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगे, चुनौती, क्योंकि आपको हर एक तस्वीर में आप लोग को चुनौती मिलने वाली है, इधर से अगर सुधार होता है पछतावे के बाद, तो जल्दी से एक रिएक्शन। विकास जी, ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अपना प्रश्न दोबारा दोहराइएगा प्लीज अंकुर जी। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस को देखिए पछतावा हो चुका है, अब ऐसे में हर तरफ से चुनौती आपको मिलने वाली है, क्या एजेंडे होने वाले आप लोग के, किस तरीके से आप लोग तैयार होंगे? देखिए अंकुर जी, ढाक के तीन पात उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं गहलोत साहब, पायलट साहब, जूली जी और डोटासरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, प्रभारी जी के नेतृत्व में, तो फिर टिकट बांटने से रोका किसने, आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? अब एकता किन में है और तब फूट किन में थी, तब पछतावा हुआ नहीं, अब ये पछतावे का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, रंधावा जी ने उस वक्त इस्तीफा देना चाहिए था, उनको प्रभारी बना के भेजा, अगर प्रभारी की हैसियत से वो फैसले ही नहीं ले पा रहे थे, डोटासरा जी प्रदेशाध्यक्ष की हैसियत से फैसले ही नहीं ले पा रहे थे, तो तब तो बोले नहीं, और अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए। मैं तो मान रहा हूं कि कहीं सरकार चली गई, गहलोत साहब इनकी अपेक्षाएं पूरी करने में सक्षम नहीं है, तब तो नहीं ये फैसला लगा रहे, कहीं पॉकेट मनी का दिक्कत तो नहीं सामने आ रही है? ठीक, विकास जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्याम सुंदर जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।